यूट्यूब वेलकम माई चैनल कुलवैन। चौथा लेसन है तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने फिंगर के साथ साथ अपना जो है ईयर को भी अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाओगे। तो इस वीडियो को देख के आपको दो चीज़ का फायदा होगा। एक तो आप अगर बिगनर है तो उसके लिए भी कुछ टिप्स बताऊंगा कि जिससे कि आप अपने फिंगर के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सको। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको वो चीज़ सीखने को मिला है कि आप कैसे अपने ईयर को ट्रेन करोगे, साथ ही साथ कैसे आप अपने फिंगर के स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव करोगे। और तीसरा टेक्निक आपको ये सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने फिंगर से हरकतें करेंगे, जैसे कि आपका साउंड जो है, जो धुन है, काफ़ी प्रो टाइप का फील आए। तो चलिए सीखते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सीखते हैं। तो देख लीजिए बिगनर्स को कैसे फॉलो करना है। तो बिगनर को ऐसे टॉप से बॉटम तक जाना है, देख लीजिए कैसे। तो जितना स्पीड हो सके इसको आप प्रैक्टिस करके बनाइए, फिर एक फ्रेड आगे आएंगे। तो ऐसे आपको पूरे यहां तक जाना है, 12th फ्रेड तक आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद वही सेम यहां से आप, तो ऊपर से जैसे 1 2 3 4 करके आए थे, नीचे से ऐसे 4 3 2 1 ऐसे जाएंगे। और आपको ऐसे जैसे भी हो सके चारों फिंगर को आपको यूज करना है। तो उससे क्या होगा कि कभी कभार होता है कि चौथा फिंगर जो है आप यूज नहीं करते, जिस वजह से आपको जब भी कोई गाने को हम स्पीड करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि तब हम तीन फिंगर को यूज करते हैं। तो इसीलिए चौथा फिंगर का यूज करना बहुत जरूरी है। तो ये था पहला ट्रिक। तो दूसरा ट्रिक जो है वही बिगनर के लिए। तो आप जब स्ट्रमिंग करते हो राइट हैंड में तो आप क्या गलती करते हो, तो ऐसे सिर्फ डाउन स्ट्रोक करते हो। तो हमको क्या करना है, डाउन अप, मतलब ऐसे ऑल्टरनेट पिकिंग जिसे बोलते हैं। एक दो यहां पे देखिए, डाउन फिर अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो है प्लेइंग स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बिगनर के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। रोज आप 10 से 15 मिनट इसको कीजिए ताकि आपका जो फिंगर का स्ट्रेंथ और फिंगर का स्पीड अच्छे से बढ़ जाए। तो दूसरा जो है इंटरमीडिएट लोग के लिए, तो वो क्या करेंगे, ये चीज़ तो प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ आपको मैं बता चुका हूँ कि आप कैसे एक ऑक्टेव को कीबोर्ड के ऊपर मैपिंग करेंगे। तो उसी ऑक्टेव को फिंगर के साथ प्ले करना है पूरे फ्रेडबोर्ड के ऊपर। तो एक स्केल को आप जितने फ्रेडबोर्ड के ऊपर जितने बार हो सके उसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सपोज मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, तो ऐसे ही आपको फिंगर के साथ स्पीड प्ले करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इससे करने से क्या होगा कि आपको जो है धुन का नॉलेज आ जाएगा और साथ ही साथ आपका ईयर का ट्रेनिंग पार्ट भी यहाँ पे शुरू हो जाता है। कि जैसे ही आप कोई भी स्केल को प्रैक्टिस करते हो तो उसका जो धुन है आपके दिमाग में और आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो जब भी उसी स्केल के ऊपर आप कोई गाने ढूंढने की कोशिश करते हो या फिर कोई भी गाने अगर उसी स्केल में होता है तो आप झट से पहचान जाते हो कि ये उसी स्केल में और ये नोड उस पे लगेंगे। तो ये आपको जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए। जैसे तो ऐसे ही आपको ढेर सारे प्रैक्टिस करना है। अगर मैं बिगनर को ऐसे क्यों बोला, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस करने से उनका फिंगर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और इससे आपको क्या होगा, आपका फिंगर को स्ट्रेच के साथ साथ अगर आप कोई गाने प्ले करोगे तो ऐसे आपको नहीं मिलेगा, कोई भी गाने का टैब्स आपको ऐसे सीरियली नहीं मिलता है, तो स्केल के तहत होता है। तो अगर आप एक स्केल को स्पीडली प्ले करना सीख गए तो आप कोई भी गाने को, चाहे वो बहुत मतलब 120 BPM में हो या फिर 140 BPM में हो, जितने भी स्पीड हो आपको उठाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहा इंटरमीडिएट के लिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कैसे अपने गाने में अच्छे से फील लाए, जैसे कि एक्सपर्ट गिटारिस्ट प्ले कर रहे हैं, तो आपको ये कुछ फिंगर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ऐसे जो हरकत ये जो हम करते हैं अप एंड डाउन, ये सब आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे आपका क्या होता है फिंगर का स्ट्रेंथ के साथ साथ, तो अगर मैं ऐसे प्ले करूं यहां से स्लाइड करके लाया, यहां से ऊपर लिया फिर, तो ये सब सारे फिंगर के साथ इसको हरकत को करना है।
ऐसे स्लाइड के साथ हमार एंड पुल ऑफ एक्स्ट्रा में से करना है। तो ये सब एक्सरसाइज, और हाँ और मेन एक्सरसाइज जो है स्पीड अल्टरनेट पिकिंग, जैसे कि ये होता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो इस पे अगर आप इसको एक स्केल में प्ले करोगे तो बहुत ही बढ़िया फील आएगा। तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है अगर आप चाहते हो कि आपके गाने में अच्छे से फील आए। तो ये कुछ एक्सरसाइज है मैंने आपको बता दिया, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिगनर के लिए अच्छा रहेगा। बिगनर से अगर आप इंटरमीडिएट को जा रहे हो, लेवल शिफ्ट कर रहे हो, तो ये सब प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपका ईयर का भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो सकता है और आपका जो है फिंगर का स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो सकता है। तो ये था आज का कंप्लीट लेसन, सोचता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे अच्छी तरीके से अपने फिंगर के साथ साथ अपने जो ईयर को ट्रेन कर पाओगे। और रही दूसरी बात, अगर गिटार को लेकर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप बेझिझक मेरे इंस्टा पर टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, स्टे ट्यून एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।